एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरा 30 मेकअप लुक एंड गेटअप शेयर कर रही हूँ। 30 के दिन ही मैंने ये गेट रेडी विद मी शूट किया था एंड उस दिन ही मैंने ये लुक को क्रिएट किया था और ये जो सिल्क साड़ी है उसको ही पहना था। सो आप अगर न्यूली वेडेड हो आप इस लुक को करवा चौथ में भी कैरी कर सकते हो। रेड साड़ी के साथ और लहंगे के साथ ये वाली जो मेकअप है बहुत अच्छे से जाएगा। और आज इस वीडियो में आप देख पाओगे कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 30 से पहले दिन ही मैंने मेहंदी वाले को बुलाया था और घर पे ही मेहंदी लगाया था, जैसे कि आप क्लिप में देख पा रहे हो, दोनों हाथ और दोनों पैरों में। और यहाँ पे हाथों में ख़त्म हो चुका है और पैरों में उन्होंने अभी शुरू किया है लगाना। और डिज़ाइन भी आप देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना था तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये डिज़ाइन। तो यहाँ मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो पहले मैं लिप को मॉइस्चराइज कर रही हूँ वैसलीन के हेल्प से। देन सबसे पहले मैं यहाँ आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है पिटमी का कंसीलर। इसको आज आई बेस में अपनी पूरे लेड में इस टाइप से स्प्रेड कर रही हूँ एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको इसे डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ ताकि ये सीमलेसली ब्लेंड हो जाए। उसके बाद इसको सेट भी करेंगे। इस लक्ष्मी के कंपैक्ट के हेल्प से मैं आई बेस को सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ और इसके लिए मैंने मार्स का आई शेडो पैलेट को लिया है और इसमें ये ऑरेंज शेड को पहले पिक किया है और इसको मैं आउटर भी और इनर कॉर्नर में भी अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि आप क्लिप में देख पा रहे हो, इस टाइप से हमको आउटर भी और इनर भी पे अप्लाई करना है पहले। एंड उसके बाद ये लाइट ऑरेंज शेड को मैंने पिक किया है एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से और इसको मैं अपनी क्रीज लाइन पे प्लेस कर रही हूँ और इसको आज ए ट्रांजिशन शेड में यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। आप क्लिप में जैसे कि देख पा रहे हो, ऐसे इनवर्ड एंड आउटवर्ड डिरेक्शन में हमको ट्रांजिशन शेड को ब्लेंड करना है। देन सेम ऑरेंज शेड जिसको मैंने इनर कॉर्नर में और आउटर भी में प्लेस किया था उसको भी मैं उसी ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ मैंने फैशन कलर का ब्लश पैलेट को लिया है, उसमें से ये मेरिनिस शेड को लेके मैं यहाँ फिर से इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ जैसे कि आप क्लिप में देख पा रहे हो, ताकि इसमें मुझे पिगमेंटेशन जितना चाहिए उतना मुझे मिल पाए। नेक्स्ट मैंने सेम ट्रांजिशन शेड को फिर से पिक किया है और उसको ब्लेंड किया है क्रीज लाइन पे। देन मैं कंसीलर को ले रही हूँ, इसको मेरे मिडिल आईलेड पे प्लेस कर रही हूँ। आप जैसे कि क्लिप में देख पा रहे हो, इस टाइप से आईलेड के बीच में ही हमको इसको प्लेस करना है। उसके बाद उसके ऊपर मैं ये गोल्डन सिमर शेड को प्लेस कर रही हूँ। इस टाइप से फिंगर के हेल्प से इसको प्लेस कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उसी जगह पे मैं इस गोल्डन शेड को प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने सेम मरूनी शेड को पिक किया है और इसको गोल्डन शेड के साथ मैं इस टाइप से मर्ज कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने लिया है जैकलिन हिल पैलेट से ये रेडी सिमरी शेड को और उसको ठीक मरूनी शेड के ऊपर ही प्लेस कर रही हूँ। आप यहाँ जैसे कि क्लिप में देख पा रहे हो, फिंगर के हेल्प से मैं यहाँ प्लेस कर रही हूँ और दूसरे आईज में मैं ब्रश के हेल्प से इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप दोनों के हेल्प से अप्लाई कर सकते हो, चाहे फिंगर के हेल्प से भी और ब्रश के हेल्प से भी। और यहाँ मैंने फिर से ट्रांजिशन शेड को लिया है, इसको मैं इस टाइप से ब्लेंड कर रही हूँ जैसे कि सब सीमलेसली ब्लेंड हो जाए, कोई भी हार्श लाइन और एजेस इसमें ना दिखे। नेक्स्ट मैंने यहाँ लक्ष्मी आइकॉनिक काजल लिया है, इसको मैं अपनी वाटर लाइन में फिल कर रही हूँ एंड आईज़ को टाइड लाइन भी कर रही हूँ। देन फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने ये बायोटिक का फेस सीरम को लिया है। इसके हेल्प से मैं अपने फेस को पहले मॉइस्चराइज कर लूँगी। प्राइमर के लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का स्प्रे मेकअप फिक्सर, उसके हेल्प से मैं फेस को प्राइम कर रही हूँ। ये एक प्राइमर की तरह भी वर्क करता है। देन मैंने यहाँ मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन को लिया है, इसको मैं इस टाइप से पहले फेस में स्प्रेड कर रही हूँ। देन एक डैम ब्यूटी स्पंज से इसको इस टाइप से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये सिमलेसली स्किन पर ब्लेंड हो जाए। और फाउंडेशन ब्लेंड होने के बाद आप यहाँ कवरेज देख पा रहे हो, ये हाई कवरेज फाउंडेशन है गाइस। एंड कंसीलर के लिए मैंने यहाँ मेबलिन फिटमी का कंसीलर को लिया है, इसके हेल्प से मैं अपनी फेस के एज यूजुअल प्लेसेस को हाईलाइट कर लूँगी। एंड
सेम डैम स्पंज की हेल्प से मैं इसको भी इस टाइप से डैबिंग मोशन में ही ब्लेंड कर रही हूँ, आप जैसे कि क्लिप में देख पा रहे हो। नेक्स्ट फेस को सेट करने के लिए मैंने सेम कॉम्पैक्ट को यूज़ किया है, ये लैक्मे का सॉन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को सेट करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ आईब्रो को फिल कर रही हूँ, इसके लिए मैंने म्यूजिक फ्लावर का ब्राउन जेल आईलाइनर को लिया है, ये काफ़ी अफोर्डेबल जेल आईलाइनर है गाइस, मस्ट इसको ट्राई करिएगा कभी। एंड ये जो है काफ़ी नेचुरल फिनिश देता है आईब्रो को। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है मेबलिन कोलोसल का बोल्ड आईलाइनर, एंड ये मेरा न्यू परचेज है और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ इसको ट्राई कर रही हूँ, और इसके हेल्प से मैं यहाँ एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी और इनर कॉर्नर में भी मैं इस टाइप से पॉइंट की तरह इसको निकालूंगी, जैसे कि आप क्लिप में देख पा रहे हो, एंड एक बोल्ड विंग लाइनर यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ आई लैसेस कलर को लिया है, इसके हेल्प से मैं आई लैसेस को कल कर लूँगी, मस्कारा के लिए प्रेप कर लूँगी। एंड मस्कारा के लिए मैंने यहाँ लिया है मेबलिन का हाइपर कॉल मस्कारा, इसके हेल्प से मैं अपनी अपर एंड लोअर लैसेस को इस टाइप से कोट कर लूँगी ताकि मेरे जो लैसेस है वो ठीक हो जाए और वॉल्यूमलाइज दिखे। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है सिबाना कलर का ब्लॉस पैलेट, इसके हेल्प से मैं कॉन्टोर कर रही हूँ अपने फेस को, इसके दो ब्राउन शेड को जो लाइट एंड डार्क ब्राउन शेड है वो दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, एंड जॉ लाइन को भी कॉन्टोर कर लूँगी कुछ इस टाइप से ताकि मेरा जो डबल चिन है वो हाइड हो जाए। देन मैं यहाँ नोज़ को भी कॉन्टोर कर रही हूँ सेम ब्रश के हेल्प से, और उस पैलेट का हाइलाइटर से मैं अपने इनर कॉर्नर और ब्राउ बोन को यहाँ हाईलाइट भी कर रही हूँ। एंड ब्लश के लिए मैंने सेम पैलेट को लिया है और इसका ये लाइट पीची शेड को पिक किया है क्योंकि आई लुक इतना हैवी है तो ब्लश थोड़ा सटल रहना चाहिए, तो इस वजह से मैंने लाइट शेड को पिक किया है ब्लश के लिए। एंड सेम हाइलाइटर को मैं मेरे फेस को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। हेयर इज़ द फाइनल फिनिश लुक, आप यहाँ देख सकते हो। अब मैंने साड़ी को पहन लिया है, एंड ये सिल्क साड़ी है, एंड इसको हस्बैंड ने गिफ्ट किया था 30 पे, एंड इस टाइप का रेड साड़ी मेरे पास पहले नहीं था, रेड है लेकिन इस टाइप का रेड नहीं था, एंड मुझे ये साड़ी काफ़ी पसंद आया था। ऐसे में सिल्क साड़ी कम पहनती हूँ क्योंकि पहनने में टाइम टेकिंग होता है, इस वजह से मैं कम पहनती हूँ, बट ये वाली साड़ी में ऐसा नहीं था, इसको पहनने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसको मैंने बहुत जल्दी पहन लिया था एंड बहुत अच्छे से इसमें प्लीट्स भी बन गए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस साड़ी का क्वालिटी एंड लुक बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया मुझे। एंड ये रहा मेरा फाइनल फिनिश मेकअप लुक, एंड लिपस्टिक का जो क्लिप था वो मिस हो गया था गाइस, लिपस्टिक में मैंने यूज़ किया है नायका मेट्रो लास्ट लिक्विड लिपस्टिक इन दिस सेड मिस्टिक, और ये रहा फुल मेकअप लुक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये मेकअप लुक एंड गेटअप अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगे और भी इस टाइप की वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।